मेरे प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोग सारे अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन थी ऑलमोस्ट कंफर्म जब तक नहीं थी तब तक मैं नहीं देना चाहता था, ठीक है। हालांकि जो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी आपसे बात हुई थी तो मैंने उसमें शक जताया था कि 18 तारीख तक कोई भी ना रिज़ल्ट आएगा ना एनरोलमेंट आएगी, ठीक है। तो अभी वो इन्फॉर्मेशन कन्फर्म है, 18 तारीख तक ना एनरोलमेंट आएगा ना रिज़ल्ट आएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या 20 तारीख तक आ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन वाली रिपोर्ट नहीं है। 18 तक की रिपोर्ट कंफर्म है कि ना एनरोलमेंट आएगा और ना ही रिज़ल्ट। दूसरी बात, कुछ बच्चों ने मेरे से बात की थी कि सर मैं कुछ किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है कि ट्रेनिंग सेंटर्स पे तैयारी है 20 नवंबर से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेनिंग सेंटर अगस्त में ही तैयार थे ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए, और हमेशा एयरफोर्स किसी भी चीज़ के लिए रेडी रहता है। यदि उन्हें कल भी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़े तो वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों ने ये भी जानना चाहा था कि सर जो ट्विटर पे हमने ट्रेंड कराया था उससे कोई दिक्कत होगी? हाँ, डेफिनेटली उससे जो पॉसिबल दिक्कत है कि आप लोग जो एनरोलमेंट होके अभी एयरफोर्स में जाएंगे उनकी ट्रेनिंग में थोड़ी सी हार्डशिप आएगी, ठीक है। तो कोई नहीं, जो हो चुका है उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा और इंतज़ार करिए, मैं समझता हूँ आने वाले कुछ दिनों में आपको अच्छी रिपोर्ट मिलेगी। एयरफोर्स, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। एयरफोर्स ने एनरोलमेंट लिस्ट भी इस तरीके से बना रखी है कि आपको यदि उन्हें आदेश दिया जाए तो एक घंटे या दो घंटे या मैक्सिमम एक दिन में दे सकते हैं, और उसी तरीके से रिजल्ट भी उनकी तरफ से पूरी तरह से तैयार है, ठीक है। लेकिन जैसे ही सरकार से उन्हें आदेश मिलेगा वो चीज़ें पब्लिश हो जाएंगी, ओके। जय हिंद। मैं समझता हूँ आप लोग इसे अपने दोस्तों को बता देंगे जो फ़ोन कर रहे हैं या व्हाट्सएप कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। और थोड़ा सा धीरज रखने का समय है, टफ टाइम में जो मजबूत लोग होते हैं वो सही तरीके से खड़े रहते हैं और दे कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। जय हिंद। मे गॉड ब्लेस यू।